बिल्कुल देखना तो क्या आपको चीज़ बिल्कुल देखना बताइए जी तो बस बताइए नाम क्या है सौरभ सौरभ इधर दो ही बच्चे आपके डेट ऑफ बर्थ बताइए 22 जुलाई और आप क्या करते हैं मैं ड्यूटी में प्रमोशन प्रमोशन तो नहीं जाएगा कहीं नहीं गया कोई नहीं बता रहे हैं रिटायरमेंट में बस साल मैं तो रिटायरमेंट टाइम बताइए मॉर्निंग 7:30 पढ़ाने में फिर आप क्यों पीछे रह गए पढ़ाई नहीं हमने तो उसको बड़ी कोशिश कर रही बड़ा सब कुछ कर 10, 11, 12, 13 वो जो शादी के रिश्तेदार वाला जो है वो इसकी पढ़ाई कम कर वो पीढ़ी से इसलिए पढ़ नहीं पाया कोई कमी जो इसकी शादी का एक ग्रह खराब है जो रिश्ते लाने वाला ग्रह वो इसकी पढ़ाई का ग्रह था वो इसकी पढ़ाई का ग्रह था उसने शुरू से काम ढेर उल्टे किया बड़ा हमने बताया इसको इसकी बात है इसकी भी चलती है चलती है बात बनती अलग ग्रह में पैदा हुआ ऐसे ग्रह तो बहुत कम देखने को मिलते हैं मतलब ऐसे ग्रह ही बहुत कम होते हैं जिस ग्रह में ये पैदा हुआ बहुत कम होता मतलब एक साथ आसमान में 9 ग्रह हैं 9 में से 6 उल्टे घूम रहे सूर्य की वजह से हो गया ना वो सूर्य इसका मेन ग्रह सूर्य है हालांकि वो भी खराब ही है लेकिन सूर्य इसकी वजह से हो गया सूर्य अंडा वंडा तो नहीं खा रहा नहीं कुछ नहीं खाता बहुत अच्छी बात अंडा वंडा कुछ नहीं खाने लगा खाने ही बोले ना खाते वो बहुत अच्छा राहू इसके घर में बैठा है बृहस्पति इसका खराब है शुक्र भी इसका खराब है जो शादी वाले कहते हैं जलने का कोई निशान आग से जलने का कहीं निशान होगा यहाँ पर निशान बढ़ने की संभावना बनती है अभी तो करोगे कैसे इस समय तो इसका इसको इसको तो हम काम कैसे मानते हैं पहले बड़े छोटे की बड़े की हो जाएंगे फिर तो अपने बड़े की देखते तो राजी हो जाएगा बड़े की जब देखेगा बड़े का काम बन गया तब तो अपने इससे बड़े आते हैं इसकी गवर्नमेंट जाओ प्राइवेट स्कूल जाता है क्या इसकी एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना इसका जो लगन का है वो कमजोर हो गया लगन में लाइफ लाइन कमजोर कर रहा है इसे कम से कम सूर्य भगवान की गलती दिलाओ गोला फूल दिलाओ अरे भगवान को तो मानते हैं सूर्य भगवान को जमीन में मारा क्या जा रहा है नाने दो से लौटा के एक लोटा तांबे के लोटे से रोली और थोड़ा सा गुड़ मिला के जल्दी तो बस कह के देखो वो उसको कुछ भी नहीं उसकी लाइफ लाइन बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ आपकी इसकी लाइफ में थोड़ी दिक्कत क्या है इसकी लाइफ में आपको समझा रही हूँ इसकी जो लाइफ लाइन का जो प्लानिट है वैसे इसकी एक्सट्री गवर्नमेंट जरूरती है आपको
गवर्नमेंट जॉब इसलिए जीता इसका लाइफ लाइन कमजोर है, शरीर का मेन ग्रह जिससे शरीर चलता है वही तो गवर्नमेंट जॉब देता है और वही क्या होगा खराब तीन की बात कर रखी है तीन साढ़े तीन उसको मजबूत करना खुद चलता है। हाँ अगर रिंग के लिए है तो फिर साइज देना पड़ेगा और मेरे का लॉकेट आपका बना हुआ पड़ा होगा मुझे आना हाँ आपको किसी फोन भी किया ना आपने पिक भी नहीं किया लॉकेट तो बना हुआ है बाकी रिंग के लिए अगर रिंग के लिए तो साइज चाहिए होगा तो बच्चे को साइज के लिए तो आना पड़ेगा तीन तीन बजे की बात कर रखते हैं तीन साढ़े तीन जा रहे हैं कभी कभी अपने आप नंबर आ जाए अभी आप मार्च के पहले हफ्ते में अमेरिका से विदेशी आ रहे हैं वो तो आते पूरी दुनिया से लेकिन वो कोर्स करने आ रहे हैं यही वाला मतलब इन चीजों को सीखने आ रहे हैं धर्म से संबंधित चीजें लेकिन विदेशी औरत है तीन तारीख को आ जाएगी और एक महीना पूरा कोर्स करेगी तो हमारे पास तो वो विदेशी लोग सीखने आते हैं ये तो मतलब यहाँ के लोग हम लोग हिंदुओं की सुना है पंडित की कमी में पैदा होने के बाद वो पंडित वाली चीजों को धर्म की चीजों को नकार रहा है आप देखो ना किसको नकार रहा है धर्म को नकार रहा है वो कॉमर्स का टीचर क्यों बन गया उसके पीछे भी कारण है उसके सिर पर शुक्र बैठे हुए शुक्र कॉमर्स के लिए था आपको ये उसे खाली मतलब उसे आप मतलब उसकी उम्र पर आने के लिए आप ये काम सूर्य भगवान को ये उसकी लोकप्रिय बनाई पानी में पानी एक तांबे की लोटे में थोड़ा सा गुड़ और लाल थोड़ी डाल के वो जरा भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं जल जलाना है वो उसके एक्चुअली एक पिता तो ये असली इनसे भी जो बड़े पिता है वो उसके वो है पिता के भी पिता है इसके एस्ट्रोलॉजिकल फादर जो हम लोग बोलते हैं उसको एस्ट्रोलॉजिकल फादर तो एस्ट्रोलॉजिकल फादर उसके भगवान सूर्य देव इसलिए उसको जल उसको उनको जल देने से उनको कुछ नहीं मिलना इसकी उम्र बढ़ेगी अगर इसको कुछ करना पड़ा तो कर पाएगा आप दूसरे ग्रेजर देखते करने के वो बड़ा वाला कह रहा है मुझे फायदा हो रहा है तो फिर आदमी का तो मैं ये दे रहा हूँ इसलिए उसी के लिए दे रहा हूँ और किसी के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं पूरी दुनिया के यहाँ से मतलब फोटो लगे जितने जगह कुछ लगे और सीखने आते हैं तो वो तो और अपने लिए तो आते ही आते हैं सीखने लग से आते हैं ऑनलाइन हम जो करते हैं वो कर ही लेते हैं तो ऑनलाइन किसी कैसा ज्ञान दिया उनको तीन चीजों को वो नहीं मानते थे क्या खरीद हर कोई मानता है दूसरों को हम तो हर धर्म के लोग हमारे पास आते हैं ये दूसरों को बताते हैं देखते ये देखो ये मेरी फोटो चर्च के अंदर लगी है ये चर्च यहाँ का नहीं है विदेश का बहुत बड़ा चर्च है ये देखिए चर्च के फादर है ये मेरी फोटो लेके बैठे हैं ये मैंने हटा दिया ये देखिए ये वहाँ बैठे वहाँ पूजा होती है समझ ही तो नहीं आया ना वो तो अगर सब कुछ समझ में आ जाता तो फिर इनको मना कर ही नहीं सकते ये इजी रास्ता है हम उसी के रूप में आसान रास्ता देते हैं तो पूजा पाठ का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है उसमें बहुत देर से प्राप्ति होती है उसी चीज की लेकिन अंगूठी के माध्यम से वो प्राप्ति बहुत जल्दी इसलिए हो जाती है क्योंकि 24 घंटे आपके साथ रहती है आपको इस तरीके से स्थापित किया है पूरी दुनिया में हमें मान्यता है ठीक है हम बहुत छोटी जगह में इसलिए बैठेंगे हम लूटते नहीं अगर मैं आपको लूटना शुरू कर दूँ तो इन लोगों की तरीके तो मेरी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचता हूँ पहले बढ़ेगा कर लीजिए उससे दूर को जल इसलिए बढ़ा उसकी उम्र बढ़ेगी ये आ रही है अमेरिका से कोर्स करने ये आ रही है तीन मार्च टिकट भी होगी सब कुछ रहने की व्यवस्था भी करूँगा होटल भी कराएंगे तीन मार्च को यहाँ आ जाएगी तीन मार्च से तीन अप्रैल तक यहीं रहेंगे बताओ ये बच्चे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे अभी कुछ ना कुछ नहीं और मैं खुद इंजीनियर हूँ पढ़ा लिखा हूँ वो खुद कंप्यूटर इंजीनियर है तो
तो हम लोग मतलब सब कुछ देखा कि सत्य कहाँ है, सत्य यहाँ है। लोगों की मदद करने में जो आनंद की वो प्राप्ति होती है किसी भी चीज़ में नहीं हो सकती, दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं हो। वो प्राप्ति करूँगा उनको भी दौलत हमें मिल जाए उसमें नहीं है। अगर मैं आपकी सच में मदद कर रहा हूँ, अगर मैं ढोंग करके आपको लूट रहा हूँ, ये प्राप्ति आनंद है। वो तो कुछ लूट है, मैं लूटता रहा और इच्छा बढ़ जाएगी। करते सुनते नहीं समझते, ये बहुत बड़ा फर्क है। अब आपके दो बेटे, मेरे भी दो ही बेटे हैं, मेरे दोनों बेटे टॉपर हैं, छः छः आठ आठ अंगूठे पहना रही है मैंने, आप हैरान हो जाऊंगी। पब्लिक डे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं रामदास के बोर्डिंग में, बहुत नामी स्कूल, ऐसा छोटा मोटा स्कूल है, अच्छा खासा स्कूल है रामदास की बोर्डिंग, फीस भी अच्छी खासी होती, वहाँ पढ़ते हैं, दोनों थ्रू आउट टॉपर हैं। और एक ने बारहवीं करके 5.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली और एम टेक में बारहवीं करके सीधा एम टेक में एडमिशन मिला। आप समझते हो मेरी बात को, बारहवीं करके, और ये कहने से नहीं मैं आपको वो चीज़ें दी थी, एम टेक कर रहा सेकेंड नंबर पर उसका नाम है, ट्रिपल आई टी एम में सीधा एम टेक में एडमिशन मिला और 5.5 लाख रुपए सीखो की स्कॉलरशिप। और वो क्या लूट लेंगे आप, क्या ले लेंगे आप? ये दूसरा बच्चा है मेरा छोटा, इसमें भी आएंगे सर्टिफिकेट, अभी वो 12th में है, ये 10th का सर्टिफिकेट, थ्रू आउट का मतलब थ्रू आउट, उसने 6 अंक में पहन रखी है। तो मैं तो चैलेंज देता हूँ, चैलेंज देकर इसलिए करता हूँ कि अभी भी यहाँ लिखा है वरना पैसे वापस, गारंटी से फायदा बच्चों की पढ़ाई में, गारंटी से फायदा वरना पैसे वापस। तो हम लोग काम करते हैं, सीरियसली काम करते हैं, जब सब कुछ छोड़ के आया आपका सरकारी नौकरी से लेकर सब कुछ काम छोड़ के क्यों आएंगे? आप बताइए डिग्री की नौकरी क्यों छोड़ूंगी मैं? पावर हाउस के इंजीनियर होने के बाद नौकरी क्यों छोड़ूंगा? मेरे फादर ने रुचि से नहीं किया था, मेरे दोनों बेटे को, दोनों बेटे ही मेरे इंजीनियर बने, एक तो एमटेक करेगा तो अपने आप ही बात खत्म होगी, दूसरा बता एमटेक करेगा तो कैसे कम से कम लाखों की नौकरी तो कम से कम मिलेगी ही मिलेगी, लाखों में नहीं, इससे कम तो मिलेगा मतलब ही नहीं है, 2 साल होगा उससे 3 साल बचते हैं। दूसरा वाला 12th में इसकी गारंटी से IIT में ही हम उम्मीद करें कि IIT में ही एडमिशन मिलेगा उसे, क्योंकि वो बड़े वाले से भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो होगी बनी पूरी जिंदगी सफल, बताओ किसके लिए पैसे कमाओ, किसके लिए पैसे? वो अपने अपना दोनों ने पहले इंतजाम कर दिया, भगवान ने उनका इंतजाम पहले कर दिया, मेरे वालों का अब तो हमारी मौज ही मौज है, हम बिना रिटायरमेंट के रिटायर हैं। तो पर्पज था ये था, इसीलिए हमें वो आए, उस समय सक्सेस होते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया से लोग जब हम सच्चे मन से करते हैं हमें चाहिए ही नहीं बड़ा, हम तो इसमें आनंद में, ये हमें ये जगह बहुत आनंद दे रही है। मैं बड़ा करके क्या करूंगा, बड़ा था तो ढकूसला आपको दिखाऊंगा, तो लूटूंगा किससे? लूटूंगा तो आपको, भरना भी वो तो बात की बात है, इस जन्म का तो मौज ले लूंगा, मुझे वैसे ही मौज आएगा, दुख मिलेंगे। सच तो यही है, सबसे बड़ा सत्य यही है, क्या हमारे इससे ज्यादा बड़ा सत्य कोई नहीं, कि सब कुछ भरता भरना है, आप इस जन्म में नहीं भर पाओगे अगले जन्म में भरना है, पिछले जन्म का अगले जन्म में चुका चुका रहे हो, नहीं चुका पाओगे अगले और अगले जन्म में चुका, इस बच्चे की थोड़ी सी उम्र आप बढ़ाइए, मतलब जरूरत है उम्र बढ़ाने की, बहुत जरूरत है मेरे हिसाब से, तो जरूरत है कि उम्र इसकी कमजोर पड़ रही है, ग्रह सारी वक्ति के ऐसा मतलब बहुत रेयर चांस होता है जब सारे ग्रह उल्टे हो, एक ग्रह को छोड़कर सब उल्टे हैं, मीन सूर्य चंद्रमा एक्चुअली कभी उल्टे नहीं होते, 9 ग्रह होते हैं ना, 9 में से 6 उल्टे हैं, सूर्य चंद्रमा कभी भी उल्टे होते ही नहीं, वो तो हमेशा सीधे चलते हैं, तो उनकी तो काट दो तो 9 में से 7 ही रहे, 7 में से 6 उल्टे चल रहे हैं, खाली एक ठीक है वो शुक्र, वो ये क्या है इसके पास, 7 ग्रह में से 7 ही रहते, 9 में से कर दो खत्म कर दिया, सूर्य चंद्रमा, सूर्य भी इसका ठीक नहीं है, सूर्य बता ही रहा हूँ कि वो मौत के खाने में बैठा हुआ, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन उल्टा की बात कर रहे सर जी, तो यहाँ पर स्थिति के 7 में से 6 ग्रह इसके उल्टे, इसलिए इसे मदद की ज्यादा जरूरत, तो ऐसे ही लोग इस तरह के जिद्दी होते हैं, मैं मानता मैं मानता मैं नहीं करता, तो वो अल्टीमेटली अपना नुकसान करते हैं, नुकसान किसका, सिर्फ और सिर्फ अपना, कष्ट किसे मिलेगा, माँ बाप को, भगत होगी तो माँ बाप होंगे, अगर उसको कोई कष्ट आएगा सबसे ज्यादा दुख कैसे होगा आपको, उसे क्या पता, वो तो कष्ट भोग लिया उसने, इसलिए आपको संजीद करनी पड़े, इतना तो कराओगे वो जल तो दे दे, तो थोड़ी बहुत जो राहत जल के नापे मिले वो मिल जाए, नहीं तो फिर एक कम से कुछ ना करे शादी के लिए ना पहले, तो उसी से संबंधित एक अंगूठी बनी, अगर जल नहीं देना चाहता तो बेटा एक अंगूठी कर दो, तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए किसी को भी दिखा दे, तुम भी खराब है, बहुत खराब थी, और नहीं तो मैंने अपना दे दिया, आप मेरे बारे में वहां पता करो, देखो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तो बात करो,
मेरी वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ मेरे बारे में जाने का, वहाँ सब कुछ नेट पर भी मैं पढ़ा था पावर हाउस से लेकर कहाँ से कहाँ कहाँ मेरे फादर इंजीनियर मैं बच्चे के बारे में तो नहीं है मेरे बारे में। अब ये कर लीजिए बड़े बेटे को ले आइए आप जब वहाँ जाना चाहें। मैं सारी चीजों को अपाय कर दिया भाग्य को छोड़ के चल रहे हैं और भाग्य भी साथ नहीं देगा तो मैं क्या करूँ अकेला भाग्य भी सबसे भारी पड़ जाता है। मैंने मेरे लड़कियों का भी इंतजाम कर दिया कि दोनों लड़कियों में से किसी एक से शादी हो जाए बृहस्पति को भी ठीक कर दिया शुक्र को भी ठीक कर दिया कि शादी हो जाए लेकिन आपका भाग्य आपको साथ नहीं चलेगा। थोड़ा सा नहीं वो केतु बैठा उसका कट्टर उसके पीछे कारण है उसको बुद्ध को ग्रहण लग गया केतु उसका कट्टर दुश्मन है ना और देखिए केतु के पास तलवार होती है और बुद्ध होते हैं बहुत सीधे साधे हरे वाले शेर के ऊपर बैठे ना वो है तो बुद्ध देवता बहुत सीधे साधे होते हैं राजकुमार है चलिए वो राजकुमार की फॉर्म में और केतु देवता की फॉर्म में तो ये दोनों एक ही कमरे में बैठे हुए हैं बुद्ध और केतु। बुद्ध उसका भाग्य एक तरफ से तो उसका भाग्य एक तरफ से उसकी बुद्धि है और केतु तलवार लेकर उसके साथ बैठे आप दोनों कट्टर दुश्मन हो आपके हाथ में तलवार हो ये सीधे साधे राजकुमार की तरीके से बैठे हो तो दर्द मतलब किसका नुकसान हो ये तो हर समय तलवार की धार पे आ गए ना आप पता नहीं कब आप मार दो बैठे किसके साथ हो तलवार वाले दैत्य के साथ राक्षस के साथ बैठे हुआ राक्षस के कब उठा के तलवार मारते क्या पता चलेगा वो कहानी है इसकी तो उसने बुद्धि की जो बुद्धि रही क्या रही बस उस पर एक ही जगह नजर रहेगी उसकी कि तलवार ना मारे तलवार ना मारे वो देख रहा है उस वजह से बुद्धि का गुरु विकास नहीं हुआ समझ गया क्यों रुक गया विकास इस वजह से रुका कि हर समय उसे तलवार तक डर है उसकी निगाह तलवार के अलावा कि देखते हैं अच्छे से कब पता नहीं तलवार मार देगा ओवरऑल ग्रोथ रुक गया वही भाग्य है सर मतलब ये भाग्य की आगे क्यों नहीं बढ़वा आपका आप दिल्ली में गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपके बच्चे को आपसे आगे जाना चाहिए नॉर्मली तो यही होता है बच्चे आपसे हमेशा आगे जाते हैं बट अभी बाप ने उनके लिए सही तरीके से पालन पोषण नहीं किया ये उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं इसलिए आपको पढ़ी नहीं ना जब पढ़ाई नहीं वही नहीं करो आप नहीं कर पाए आप चाहते भी नहीं कर पाए लेकिन आपको करना चाहते इसकी बुद्धि को ठीक करना था सुखों को ठीक करना था इसे कोई दिक्कत नहीं खाली पढ़ाई के लिए दो चीजें चाहिए थी बुद्ध और सुखों को मजबूत करना था कोई दिक्कत नहीं दौड़ जाते हैं उसके लिए कोई और अनुभव नहीं चाहिए थी केवल बुद्ध और सुख मैं तो अपने बेटे को पांच पांच छह खाली पढ़ाई के लिए करना था और तो कोई चक्कर ही नहीं है उनकी पढ़ाई में कहीं एकदम ओवरऑल ऊपर जाए तो वो बारहवीं के बाद 5.5 लाख रुपए मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है 5.5 लाख रुपए बारहवीं के तुरंत करते ही मिले उसको जल्दी पाइए मम्मी कहते अगर जल्द नहीं देना चाहते तो कभी बेटा रिकवरी कर लो खाली तुम्हारी उम्र से हमारी उम्र बढ़ाने के लिए इसके अलावा उसका कोई दूसरा रूप ही नहीं है समझे खाली वो उसकी उम्र बढ़ाने के काम आएगी उम्र के खतरे को कम मतलब कम करें जैसे तो क्या अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? क्या आपको योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा?
क्या आप अपने प्यार को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आप अपनी लवर से शादी करना चाहते हैं? क्या आपका रिश्ता होकर के टूट जाता है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें